सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ में विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार, भाई घायल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समर में आज उतरेंगे नीतीश कुमार और अमित शाह। पूर्वांचल के वोटरों को रिझाने के लिए भाजपा ने जेडीयू को दी 2 सीटें। वुहान से 323 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान, मालदीव के 7 नागरिक भी शामिल। यूपी पुलिस ने सुलझाई 2 दोस्तों की हत्या की गुत्थी, प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या, 4 लोगों को लिया हिरासत में। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग मुकदमे को मामूली अंतर से खारिज कर दिया। सीनेट ने नए गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने वाले डेमोक्रेट पार्टी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद उम्मीद बढ़ गई है कि सीनेट अगले सप्ताह की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ट्रंप को उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर देगी। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट सांसदों ने नए गवाहों को पेश करने की अनुमति मांगी थी ताकि पूर्व NSA बोल्टन की यूक्रेन की मदद रोकने के संबंध में गवाही कराई जा सके, लेकिन विपक्ष के इस प्रस्ताव पर रोक के लिए 51 मत पड़े जबकि पक्ष में 49 मत डाले गए। 100 सदस्यों वाली सीनेट में रिपब्लिकनों के पास 53 और डेमोक्रेटों के पास 47 सीटें हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंदूवादी नेता और विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार हमलावरों ने उनके सिर में कई गोलियां मारी और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। सुबह सुबह हुए इस हत्याकांड के बाद मौके पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और आला अधिकारी पहुंचे। इससे पहले बीते साल हिंदूवादी नेता और हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के रहने वाले रंजीत जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो बाइक सवार बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के CM नीतीश कुमार आज दिल्ली के चुनावी समर में उतर रहे हैं। प्रशांत किशोर प्रकरण के बाद वह पहली बार अमित शाह के साथ मंच साझा करेंगे। प्रशांत किशोर को JDU से बाहर कर दिया गया है। अब PK की कंपनी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बना रही है। दिल्ली में पूर्वांचल के वोटरों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने JDU को 2 सीटें दी है। संगम विहार और बुराड़ी में JDU मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। नीतीश कुमार रविवार को दोनों जगह रैली करेंगे। बुराड़ी में अमित शाह उनके साथ होंगे। संगम विहार में BJP अध्यक्ष JP नड्डा के साथ नीतीश प्रचार करेंगे। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय यात्रियों के दूसरे जत्थे को लेकर एयर इंडिया की विशेष उड़ान रविवार सुबह दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट से 330 लोगों को दिल्ली लाया गया है। इसमें 323 भारतीयों के अलावा मालदीव के 7 नागरिक शामिल है। इसके साथ ही अब तक वहां से 654 लोगों को भारत लाया जा चुका है। एयर इंडिया ने अब तक नई दिल्ली से वुहान के लिए 2 बार उड़ान भरी है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 304 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण में 14,380 मामले सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागरिकता कानून का समर्थन किया है। उनका कहना है कि CAA किसी की नागरिकता नहीं छीनता, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में NRC लागू नहीं होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि NRC कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने नागरिकता कानून पर नरम रुख रखते हुए कहा कि यह कानून किसी भारतीय नागरिक की सिटीजनशिप नहीं छीनता है। महाविकास अघाड़ी की सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर हिंदुत्व का नारा बुलंद किया है। इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि शिवसेना ने हिंदुत्व की अपनी विचारधारा को छोड़ा नहीं है और ना ही उससे कोई समझौता किया है। LIC कर्मचारियों ने 4 फरवरी को 1 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के उस बजटीय प्रस्ताव के खिलाफ हैं जिसमें उन्होंने LIC में सरकार की एक हिस्सेदारी बेचने की बात कही है। जीवन बीमा निगम कर्मचारी एसोसिएशन के कोलकाता डिवीजन के उपाध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी ने कहा कि हम मंगलवार को 12:15 बजे से 1:15 बजे तक 1 घंटे की हड़ताल करेंगे। हम उसके बाद अपने सभी कार्यालयों में प्रदर्शन भी आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद हम सड़क पर उतरेंगे और इस कदम का विरोध करेंगे। हम सभी सांसदों के पास भी जाएंगे। पटियाला हाईकोर्ट से निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर अमल पर रोक से केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस बिफर गई है। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर कहा है कि निर्भया के 4 दोषियों ने कानून का मजाक बनाकर रख दिया है।
याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि वह पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए चारों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने का आदेश दे। हाईकोर्ट आज शाम 3 बजे इस याचिका पर विशेष सुनवाई करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी याचिका में दलील दी है कि एक ही केस में एक से अधिक दोषी हो तो उनमें से किसी एक के पास भी कानूनी उपचार का विकल्प बचा होना उनकी फांसी रोके जाने का आधार नहीं बन सकता है, जिनके कानूनी उपचार के सारे विकल्प खत्म हो गए हों। केंद्र सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़े तो दोषियों को एक एक कर फांसी दी जा सकती है। निर्भया के 4 में से 2 दोषियों मुकेश सिंह और विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति से खारिज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 दोस्तों की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 5 दिन में सुलझा ली है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि मृतक हरवंश का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती का विवाह हो जाने के बाद भी हरवंश उसका पीछा नहीं छोड़ता था, जिसको लेकर युवती के परिजनों ने धोखे से हरवंश को बुलाकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और साथ ही उसके साथ जगतपाल को भी कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हरवंश की मौत गला घुटने और जगतपाल की मौत पानी में डूबने से हुई है। इस संबंध में पुलिस अभी और छानबीन कर रही है। फिलहाल हत्या में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 25 तारीख की रात से थाना पटवाई क्षेत्र के बकैनिया गांव के 2 युवक हरवंश और जगत गायब थे, इनके परिजन ढूंढ रहे थे। 26 तारीख को गांव की ही एक लड़की ने लगभग शाम के समय एक कुएं के पास इनके जैकेट पैंट आदि देखे तो उसने सूचना दिया, जिस पर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस पहुंची तो कुएं में दोनों की लाश मिली, जिसे तत्काल निकाला गया, जिला अस्पताल भेजा गया। दोनों मर चुके थे, इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ। फिर मृतक हरिवंश के परिजनों की ओर से एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था और हत्या का मोटिव हरिवंश का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग बताया गया, जिसकी शादी होने के बाद भी उसका वो पीछा करता था, जिसके प्रतिशोध में यह हत्या की गई। 4 अभियुक्तों को पटवाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाएगा। इस अभियोग में अभी विवेचना के कुछ और पहलू बाकी हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे विवेचक, जैसा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, कि इसमें कुछ एक लोग और शामिल हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी और साक्ष्य पूरे होते हैं। बजट के अगले ही दिन आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। रविवार को लगातार 4th दिन तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर दी है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 9 पैसे की कमी आई है। वहीं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 8 पैसे सस्ता हुआ है। वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल 8 पैसे कम हुआ है। कोलकाता में 5 पैसे, मुंबई में 6 पैसे और चेन्नई में 7 पैसे की कमी की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल।